बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आप जानते हैं कि इस दुनिया की हर चीज को एक रोज खत्म होना है, फना हो जाना है, और इंसान तो है ही फानी। हर इंसान को मौत का मजा चखना है, लेकिन मौत के बाद हमारे जिस्म हमारी मैयत के साथ क्या होता है? मुसलमान कब्र में दबाते हैं, हिंदू आग लगाते हैं, और कुछ मजाहिब के मानने वाले आज भी अपनी मैयत को पहाड़ों पर छोड़ आते हैं जहां पर परिंदे उन्हें नोच खाते हैं। एक ऐसा ही सवाल एक हिंदू औरत ने डॉक्टर जाकिर नाइक से किया। डॉक्टर जाकिर नाइक और इस औरत की ये गुफ्तगू बेलाशुबा सीखने के लिए बहुत ज्यादा अहम है। टीम हम कदम अंग्रेजी जबान में होने वाली इस गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा आपके लिए पेश कर रही है। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि इस खातून ने क्या सवाल किया। अनवी लक्ष्मी अय्यर, सो आई एम अ हिंदू एंड ट्रूली बिलीव इन इस्लाम। आई बिलीव इन इस्लाम बिकॉज़ आई हैव गॉट सम प्रूफ फ्रॉम इट। सो व्हेन यू सेड गॉड इज वन, इस हिंदू औरत ने अपना नाम लक्ष्मी बताया और सबसे पहले ये कहा कि मैं एक हिंदू हूँ लेकिन इस्लाम पर पूरा यकीन रखती हूँ क्योंकि मैंने इस्लाम को समझ लिया है। उसके बाद इस खातून ने अपना सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक और देखने वालों को समझाने के लिए एक मिसाल की सूरत में पेश किया। लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ थ्री पीपल, अ हिंदू, अ मुस्लिम एंड अ क्रिश्चियन। लेट मी टेक देम टुगेदर एंड इफ देयर बॉडीज, इफ सपोज देयर बॉडीज आर कट डाउन, व्हाट ओजेस फ्रॉम देयर बॉडी? Only blood, and it's only blood, not the milk, not the water, it's only the blood. When you cut down, only the blood oozes. Why do we differentiate when we depart the body? The Muslims go with burying and we Hindus, we go by lighting the pyre. इस खातून ने कहा था कि आप अक्सर कहते हैं कि एक अल्लाह और एक मजहब यानी कि दीन इस्लाम को माना जाए और हम सब इंसान भी एक जैसे हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक हिंदू को देखें, एक मुसलमान को देखें और एक ईसाई को देखें तो हम सब हैं तो सभी इंसान और एक जैसे हैं। हम इस हद तक एक जैसे हैं कि हम सब के जिस्म को अगर काटा जाए तो उससे लहू यानी कि खून ही निकलता है, सिर्फ खून ही निकलता है। किसी के जिस्म से दूध या पानी नहीं निकलता, हम सब खून की मदद से ही जिंदा हैं। जब हमारे अज्साम और अंदरूनी साख्त एक जैसी है तो मरने के बाद मुसलमान अपनी मैयत को कब्र में क्यों दफनाते हैं, हिंदू आग क्यों लगाते हैं, ये फर्क क्यों है? अगर देखा जाए तो ये सवाल बिल्कुल वाज़े है और इसका जवाब भी वाज़े है कि हर मजहब में मैयत की तदफीन के अपने अपने तरीके हैं। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मामले पर जब वजाहत से बयान करना शुरू किया तो वो बातें सामने आईं जो कि आज के शायद जदीद साइंसदान और जदीद नस्ल के नौजवान भी नहीं जानते। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देते हुए सबसे पहले कहा कि मेरी बहन, आपने इस्लाम को समझा है और आपको उस पर यकीन भी है, इस पर मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ और आपको खुशामदीद कहता हूँ कि आप दीन इस्लाम में मुकम्मल तौर पर दाखिल हो जाएं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जहां तक आपका ये सवाल है कि मुसलमान मैयत को जमीन में क्यों दफनाते हैं और हिंदू आग क्यों लगाते हैं, इसका फर्क समझने के लिए आइए इन दोनों अमाल में फर्क देख लेते हैं और ये समझते हैं कि क्या काम करने का फायदा ज्यादा है या नुकसान क्या है, यानी कि मैयत को जमीन में दफनाने के फायदे और नुकसान क्या हैं और मैयत को आग लगा देने के फायदे और नुकसान क्या हैं। All have got the same body, same blood, same constituent, but when we die, why in Hinduism do we burn the body, why in Islam do we bury? Let's analyze the pros and cons and you decide which is better. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हिंदुइज्म में आमतौर पर मैयत को आग लगा दी जाती है जिसे कहा जाता है कि चिता को जला दिया गया। याद रखिए, हिंदुओं में भी बहुत से ऐसे फिरके हैं जो कि आग लगाना पसंद नहीं करते और तदफीन ही करते हैं। बिलखुसूस कम उम्र अफराद की मौत, अगर वो हिंदू हों, बच्चों की मौत हो जाए तो उनकी चिता जलाई नहीं जाती बल्कि उनकी तदफीन ही की जाती है, लेकिन उम्र में बड़े लोगों को आग लगाई जाती है। तो आइए जानते हैं कि जमीन में दफनाने के क्या फायदे नुकसान हैं और आग लगाने के क्या फायदे नुकसान हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मुसलमान मुर्दे को दफनाते हैं जमीन के अंदर। अब जदीद साइंस साबित कर चुकी है कि हमारा जिस्म जिन अज्जा से मिलकर बना है, लगभग वही अज्जा जमीन के अंदर भी होते हैं। जब किसी की मैयत को जमीन में दफना दिया जाता है और वो वहां पर डीकम्पोज हो जाती है, गोश्त गल सड़कर जमीन का ही हिस्सा बन जाता है, तो वो तमाम तर अज्जा जिनसे हम इंसान बने हुए होते हैं वो वापस जमीन को लौटा दिए जाते हैं, यानी कि हम इंसान इसी मिट्टी से बने और इसी मिट्टी में चले जाते हैं।
इसका पहला फायदा तो ये हो गया कि जमीन को जरूरी केमिकल अज्जा जो कि जमीन के अंदर होना बहुत जरूरी है, हम इंसानों की मौत और मैयत के गलने सड़ने की सूरत में वो जमीन को वापस मिल जाते हैं। ये पहला फायदा हो गया। If we analyze in Islam, we have to bury. Why? Because today we have come to know that whatever constituents of the body is there, the earth, the soil contain the same basic elements of the body in lesser or greater proportion. So from earth we come and to earth we return. Scientific. Comparison, point number one. When we burn the body, there is pollution. In Islam, when we bury, the land becomes fertile. There's no pollution, there's no burning. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हिंदू मजहब में चिता को या मैयत को आग लगा दी जाती है जिससे फजा में आलूदगी धुआं फैलता है और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाती है। यूं जमीन आलूदा हो जाती है, फजा गंदी हो जाती है। दूसरी जानिब जब मुसलमानों की मैयत जमीन में गल सड़ती है तो मैयत से निकल कर अज्जा जमीन का हिस्सा बन जाते हैं और जमीन मजीद जरखेज हो जाती है, कीमती हो जाती है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि दूसरा अहम फर्क यह है कि हिंदू लोग जब अपनी मैयत को जलाते हैं, जलाने के लिए लकड़ी इस्तेमाल करते हैं, लकड़ी हासिल करने के लिए दरख्तों को काट देते हैं, दरख्तों को काटने से जमीन में फजाई आलूदगी बढ़ती है और हमारा माहौल खराब हो जाता है। जबकि दूसरी जानिब जब मुसलमान मैयत को जमीन में दफनाते हैं उससे अज्जा जमीन को पूरे मिलने के बायस मजीद दरख्त उगते हैं, जमीन जरखेज होती है। हिंदुओं की आखिरी रसूमात से दरख्त कट रहे हैं, मुसलमानों की आखिरी रसूमात से दरख्त लग रहे हैं। देखे ना, मुसलमान दरख्त नहीं काटते, माहौल के लिए बहुत अच्छा है। आप हर रोज टेलीविजन पर या मुख्तलिफ इश्तिहारी मुहिमात में देखते होंगे जहाँ पर कहा जाता है कि दरख्तों को मत काटें बल्कि दरख्त लगाएं। हर साल बल्कि एक दिन में कई करोड़ दरख्त भारत के अंदर ही काट दिए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ चिता जलाने के लिए लकड़ी इस्तेमाल करने की खातिर। पॉइंट नंबर टू, व्हेन यू बर्न यू चॉप डाउन द ट्रीज, ग्रीनरी गोज डाउन, एनवायरनमेंट इज बीइंग अपरूटेड। In Islam, when we bury, land becomes fertile, more trees grow. It becomes a manure. No chopping down of the trees. Better for the environment. You know, the government says, don't chop trees. If you don't chop trees, how will you burn the human body? Point number three, it is more expensive. According to Indian statistics, every year, crores and crores and crores, hundreds and thousands of crores, every day crores of rupees are spent. Every year, hundreds of crores are being spent only on the trees and burning the body. In Islam, when we bury, it is cheap, free. Point number five. Dr. Zakir Naik ने तीसरा और चौथा नुक्ता गिनवाते हुए बताया कि हिंदुओं में आखिरी रसूमात की अदायगी का तरीका बहुत महंगा पड़ता है, दरख्त इस्तेमाल होते हैं, लकड़ी लानी पड़ती है। जबकि मुसलमानों के तदफीन के मराहिल को देखा जाए तो ये बहुत सादा है, जमीन खोदकर उसमें मैयत को दफना दिया जाता है, कोई ज्यादा खर्चा नहीं होता, बिल्कुल मुफ्त है। डॉक्टर जाकिर नाइक पॉइंट पर पॉइंट गिनवाते जा रहे थे, सवाल करने वाली हिंदू समेत पूरा हॉल हैरत के साथ तालियां बजाकर डॉक्टर जाकिर नाइक की जहानत पर और साइंटिफिक रीजनिंग पर दाद दे रहा था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि पांचवा अहम नुक्ता ये बन जाता है कि जब आप लकड़ी को जलाते हैं मैयत को जलाने के लिए तो वो राख बन जाती है और वो जाया हो जाती है। यानी कि एक दरख्त एक बार काट लिया तो वो दोबारा किसी इस्तेमाल का नहीं क्योंकि वो आखिर में राख बन जाता है। जबकि मुसलमानों की जानिब से अगर 10 फुट के रकबे में एक मैयत को दफना दिया जाए तो वो जमीन 10-15 साल के बाद दोबारा काबिल इस्तेमाल हो जाती है और ये हमेशा के लिए है, बार बार बेशक वहीं पर मुर्दे दफनाते जाएं। यानी कि मुसलमान रीसाइकल कर रहे हैं जबकि हिंदुओं की आखिरी रसूमात में रीसाइकलिंग नहीं होती। इस्लाम, when we bury, it is cheap, free. Point number five, when we burn, the wood becomes charcoal, ashes. In Islam, once we bury in the land, the same land can be used after a few years. It is forever. You can recycle it. The same land, after a few years, when the bones get disintegrated, you can recycle. So logically and scientifically, if we analyze, it is more scientific, more humane, more better for burial as compared for cremation. Hope that answers questions. डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी बात को समेटते हुए कहा कि अगर साइंसी लिहाज से देखा जाए, इंसानियत के तौर पर देखा जाए तो मैयत की तदफीन करना यानी कि उसे जमीन में दफन करना इंसानियत और इस जमीन के लिए
बहुत बहुत बेहतर और अच्छा है, बजाय इसके कि दरख्तों को काटें और चिता जलाकर मैयत को आग लगाई जाए, जो कि हिंदू मत में लोग करते हैं। लिहाजा इस गुफ्तगू से ये साबित होता है कि दीन इस्लाम ने जो तरीका कार मुर्दे या मैयत की तदफीन का बताया है, वो इस दुनिया और इंसानियत दोनों के लिए भलाई का बाइस है, जबकि हिंदू जो कर रहे हैं वो इस दुनिया को मजीद आलूदा करने का बाइस बनता है। यूं डॉक्टर जाकिर नाइक ने साइंसी दलाइल के साथ पूरे हॉल के सामने इस खातून के सवाल का इंतहाई तसल्ली बख्श जवाब पेश किया। दोस्तों, टीम हम कदम इस वीडियो के आखिर में आपसे सवाल करना चाहती है। इस वीडियो में आपने सारी गुफ्तगू मैयत की तदफीन से मुतालिक सुनी है, लेकिन इस जदीद दौर का इंसान जदीद दौर की चकाचौंध और रोशनियों में इस हद तक खो चुका है कि वो अपनी मौत को याद करने तक का वक्त नहीं निकालता। हम नहीं सोचते कि एक रोज हमें भी इस दुनिया से चले जाना है, तब हमारी कोई शनाख्त नहीं, हम सिर्फ मैयत कहलाएंगे और उसकी तदफीन होगी, कब्र में वक्त गुजारना है। क्या हमने बतौर मुसलमान इसकी कुछ तैयारी कर रखी है? क्या हम इसके लिए फिक्रमंद हैं? अपनी जात से ये सवाल जरूर कीजिए और अपना एहतसाब खुद कीजिए। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए।